ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਇਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈਵ ਯੂ ਕੈਪਟ ਐਨੀ ਰੋਜ਼ਾਸ ਐਂਡ ਆਰ ਯੂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਦੈਟ? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rosas as such? No, and I mean, not at all. Oh, not at all. Wow. Actually, करीना कपूर सबनों पता सैफ अली खान नाल व्याही हुई आ, ते इत्थे इन्हां ने दिखाया कि एक जिदा हिंदू है ये, ते इन्हें मुसलमान नाल व्याह कराया, एंड उस तो बाद ये रोज़े रखती है कि नहीं, एंड उन्हें बड़े प्राउडली कहा नॉट एट ऑल कि मैं रोज़े नहीं रखती। ठीक है, हुण इहदे ते एक आई थिंक एक क्वेश्चन होगा डॉक्टर ज़ाकिर नायक तो कोई पूछेगा, तो वह जवाब देखते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक जिहड़े आ की दिंदे आ। I've never done that in my life. No, and I mean, not at all. I've never done that in my life. मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, अच्छा, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आप खुद ही जानना चाहता हूँ। मैं इनका अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती मतलब? जब तक वो ईमान ना लाए। मतलब? एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुबहाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वो साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों
क्या ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का। अच्छा। और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा का कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। सीरियसली? एक्चुअली क्योंकि जेडे हिंदू दे तो यार उन्होंने तो 33 करोड़ देवी देवते है, तो मतलब उन्होंने रब मानते हैं, है ना, बट एक्चुअली वो देवी देवते है। यस, बट मैं अज तक ये चीज़ नहीं देखी सी, क्योंकि ये तो सारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा अलाउड आ। ठीक है, आप देखते हैं मंदिरों में माता की मूर्ति या हनुमान या गणेश जी शिव जी, है ना, मतलब सब दी इन्हों मूर्तियां बनिया होंदिया। बट आ चीज़ जी इन्होंने दसी है यार, ये रियली शॉकिंग है, मैं तो कभी सुनी नहीं वैसे। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यक्षा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यक्षा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुद्ध नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं। नहीं 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 नहीं, इतने एक गल मेरे ख्याल देखो, मैं सिख हाँ, ठीक है, आप गल सुन रहे हैं इस्लाम धर्म की, तो गल कर रहे हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म विच मैनू नहीं पता, मतलब इन्होंने जिहड़ी आ गल पिछे कही ना, एक मिनट मैं तुहानू दोबारा सुनाउना यार। ये पता इन्हां दी वीडियोस हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल बन जांदियां, इसे करके कमेंट्स दे विच कई लोग इन्हां नू लाइक करदे आ, कई इन्हां नू डिसलाइक करदे आ। मैं दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए, मैं हवाले दे सकता हूं और मैं तकरीर लिख दिया हूं, सिमिलैरिटी बिटवीन के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हां, ये चीज हुण हिंदू मैनू नहीं लगदा वो मनणगे, है ना, क्योंकि हिंदुआं ते मुसलमानां दा पहले ही बड़ा वाद विवाद चलदा रहिंदा, ते वो आखिरी पैगंबर जिद्दां ये कह रहे आ कि हिंदू भी मनदे आ कि ये सी, है ना, पर मैनू लगता नहीं ये चीज़ होएगी, क्योंकि जेकर कोई हुण अपनी हिंदू भी वीडियो देख रहा था वो भी कोई कमेंट करेगा। एंड प्लीज़ यार, जेकर तुसी डिस्कशन नू करोगे कि हेल्दी डिस्कशन करो कमेंट्स दे विच, ठीक है, कोई भी एक दूजे नाल लड़ाई झगड़ा ना करो, एक अपने नॉलेज लै रहे हैं इतने बैठ के, ठीक है, हुण आपां वीडियो दे रिएक्शन बना रहे हैं, ये एक नॉलेज लई आ, तो जरूरी नहीं हुंदा कि अगले वाला हमेशा सही होगा जां हमेशा ही गलत होगा, कुछ गल्लां सही भी होंदियां कुछ गल्लां गलत भी होंदियां, आपां अपनी राय दे सकते हैं, मैनूं इस चीज़ बारे नॉलेज नहीं है। ठीक है, तुहानूं नॉलेज है तां नीचे कमेंट करके मेरे नाल गल करो, डिस्कशन करो, हैल्दी डिस्कशन, किसी ने लड़ना नहीं। ओके, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए, मैं हवाले दे सकता हूं, हां, मैं तकरीर लिख दिया हूं, बाकी सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में एकसानियत। हां, दोनों किताब वीडियो यार एक देखो, आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 43 साडे इंडिया में कुरान नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी इंसानियत है, इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वुड लाइक टू से दैट आई डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, आई बिलीव इन वन सुप्रीम पावर
दैट इज लाइक यू कॉल इट अल्लाह आई कॉल इट भगवान. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक है, बुद्ध परस्ती गलत है. हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है, हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा, आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा. ओके, इन्हां दे वाद विवाद अगे भी चलते रहे. मैं अगे भी सुनिया कि इंडिया दे विच जिहड़े इन्हां दे सैमीनार्स आ उन्हां ते बैन है. आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज आई डोंट नो कि हुण इस चीज़ नूं हिंदू मन्नदे है कि नहीं, कि आखिरी जो पैगंबर ने है ना वो सेम ने, मतलब ये चीज़ मन्नदे है या नहीं मन्नदे, मैनूं इस बारे खबर नहीं है. पर इन्हां नूं नॉलेज बहुत आ वाकई, ठीक है. तो इन्हों कई जने डिसलाइक भी करते हैं. उन्हों का रीज़न मैं हूँ इस वीडियो के लग रहा कुछ कुछ, मैं आइडिया लगा सकता कि क्यों डिसलाइक करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बोलते हैं जो भी बोलते हैं है ना. एंड हिंदूज तो मुस्लिम्स के वाद विवाद हमेशा चलता रहा. कई चीज़ा होंदिया जिम्मे इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी कहा गया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बट सारे हिंदू मोस्टली करते हैं, ठीक है. उदा ही मुसलमाना विच भी कहा गया कि कबर नू पूजना गलत आ, ठीक है, लेकिन फिर भी कबरां नू लोकी पूजदे आ. साढ़े इधर इंडिया पंजाब दे विच लोग ज़्यादा जड़े कबरां नू मन्नदे आ, कबरां नू पूजदे आ, कबरां ते दीवे जगाउंदे आ. पर आपां इक दी वीडियो बनाई सी इदां दी, उहदे ते मैनू कई लोगों ने कमेंट किए कि यह कबरां ते दीवे जलाउणे, कबरां ते मत्थे टेकणे गलत आ, इस्लाम इस चीज़ की इजाजत नहीं दिंदा. पर लोग फिर भी कर रहे हैं. हुण हर एक धर्म है, जिहड़ा मर्जी धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, जां सिखिज़म है, सब दे विच जो चीज़ां ग्रंथां दे विच लिखियां सारे लोग फॉलो नहीं करते. कई लोग अपने अकॉर्डिंग अपने जो उन्हां दे एफर्ट्स हुंदे आ उन्हां दे नाल ओह उस चीज़ नूं रीक्रिएट कर देंदे आ, रीजनरेट कर देंदे आ, मतलब इतिहास दे विच मिथिहास नूं मिक्स करते हैं, ठीक है. तो इस हर धर्मां च हुंदा, एक्चुअल सच आम जनता तक नहीं पहुँचता. कुछ लिटरेचर्स जां कुछ पुरानियां बुक्स जां पुराने जो वैद है ग्रंथ आ उन्हां नाल भी छेड़छाड़ हुंदी रही है, ठीक है. तो हुण बड़ा बंदा जदों एक हुंदा ना यार, अपना ह्यूमन नेचर है कि जदों आपां किसी चीज़ वल जा रहे हैं ना तो अपन हूँ आप होर जाइए, होर तह तक जाइए, होर तह तक जाइए. पर मैं एक गल नोट की है कि जेकर तुसी हिंदू मुस्लिम ते सिख तिना दे धर्मां दी तह तक जाओगे ना ते तुहानू जिहड़ा उहदा सारांश मिलना कि उहदे विच चीज़ां सेम कही गई, ठीक है. पर वो लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे, आई डोंट नो. हुण क्योंकि अगे अगे बड़िया ब्रांचस बड़िया बड़िया बनिया हुई हैं. जेकर तुसी साडे कले सिख धर्म की गल करो, सिख धर्म की जो सब तो मेन सुप्रीम जो पावर है असीं मानते हैं गोल्डन टैंपल श्री हरिमंदर साहब, पर पंज तख्त भी है जो कि हजूर साहब है, पटना साहब है, पौंटा साहब है, हेमकुंड साहब, दमदमा साहब, ठीक है जी, तो अकाल तख्त साहब. इन्हां पंजे तख्तों की जो मर्यादा वक्री वक्री है, मर्यादा तो मतलब एक सिख बंदे की रहनी सहनी किदा, उन्हें किदा गल करनी है, की पाउणा है ना, किदा उन्हें संसार विच विचरना, किदे नाल वरतना, किदे नाल नहीं वरतना, यह सब चीज़ा एक मर्यादा होंदी है जो कि एक प्रोपरली डिसाइडेड है, ठीक है. पर सिखिज़म विच की है, कई डेरे बने हैं, कोई वक्रे वक्रे गुरुद्वारे है, वह गुरुद्वारे का जिहड़ा मेन बंदा उन्हें आपके अकॉर्डिंग जिहड़ी मर्यादा च मोडिफिकेशन कर लिया, लोगों से थोपतियाँ. हुण एक सिख बंदा क्योंकि एक मर्यादा विच एक चीज़ करनी अलाउ है, दूजे गुरुद्वारे की उस मर्यादा नूं करना मतलब अलाउ नहीं हैगा. ये सिर्फ मैं एक दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ. उत्थे एक नॉर्मल बंदा की करूँ, मतलब वो तो आए मनु ना कि यार मैं मर्यादा पालन नहीं की, मैं तो बहुत वड्डा पापी बन गया. पर उन्होंने की पता कि जिहड़े गुरुद्वारिया के उपर संत बैठे आ, जिहड़े सो कोल्ड बाबे बन के बैठे आ, वह उन्होंने छेड़छाड़ की इस चीज़ न. यह मैं तुम्हें एग्जाम्पल दी है सिखिज़म की, क्योंकि मैं इस चीज़ का पता. पर आई एम 200 डैम श्योर कि हिंदू धर्म भी यही चीज़ हो रही है, तो इस्लाम भी यही हो रही है, क्योंकि अपने जिहड़े इंडिया पाकिस्तान के लोग है ना, धर्म के नाम से इन्ना क लुट रहे हैं ना लोगों को बहुत ज़्यादा. इस्लाम धर्म विच भी बहुत ज़्यादा बई लुट रहे हैं बाबे, बहुत ज़्यादा. सीरीयसली मैं वीडियोज़ देखता हैरान हो जाता. हिंदू धर्म विच तां निरे लुट्टी है पूरी, सिखिज़म विच भी हुण पूरी लुट्टी है भरावा. मतलब एक मैं हमेशा यही चीज़ कहना, बई तुसी सिर्फ
अपने जेकर तुसी मुसलमान हो तुसी सिर्फ कुरान नू फॉलो करो, किसे बंदे नू फॉलो ना करो, ठीक है। जेकर तुसी हिंदू हो तो जो तुहाडा ग्रंथ है जो तुहाडियां सिक्ख्यावां उन्हां नू फॉलो करो, सिख हो तो तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नू फॉलो करो, ठीक है। एंड जेकर तुसी किसी भी धर्म च यकीन नहीं करते तो इंसानियत सब तो वड्डा धर्म है, एक इंसानियत दे जो नियम है जो रूल है जो एक कुदरती जो एक नेचर है ना उन्हूं फॉलो करो। चंगा खाओ, चंगा पहनो, चंगा बोलो, चंगा सुनो, लोगों नाल चंगा करो, हैल्प करो, इत्थों तक जी जिंदगी नूं रखो तो तुसी खुश रहोगे तो रब अल्लाह खुदा भी तुहाडे तो खुश रहूगा। जेकर आपां किसे दे उत्ते लांछन लगावांगे कि तू तो ऐं कर रहा तेरे धर्म च आए हैं मेरे धर्म च आए हैं, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। सो वीडियो बहुत वधिया सीगी, हो सकता मैं भी कई थावां ते गलत होवां, बट मैनू जिदा कि हुण इस्लाम धर्म की इन्नी नॉलेज इन्नी कि मैनू तो नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। मैनू अपने धर्म बारे पूरा पता है क्योंकि मैं शुरू तो उस चीज़ नूं सिखिया पढ़िया सुनिया। इस्लाम दियां वीडियोज़ आपां हुण तो बनाउणियां शुरू कीतिया, मैनू हुंदा कि मैं हर धर्म बारे जानण की कोशिश करां, ठीक है, कि उस धर्म के की रूल्स है की रिट्यूल्स आ की किया जाता उस धर्म च। एंड इस्लाम ते सिखिज़म इज़ लाइक काफ़ी सिमिलर है ना, मूर्ति पूजा दोनों च नहीं की जाती सब तो वड्डी चीज़, एंड गॉड इज़ वन। बाकी वीडियोज़ बहुत वधिया सी, तुहानू कदल कि मैंने कमेंट करके जरूर दसो, एंड होर भी वीडियोज़ देखने लिए साडे चैनल करो सबसक्राइब। मैं तुहानू मिलदा किसी होर वीडियो, तद तक मैनू दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल, चक्की रखो इदा ही कम। With the